वेलकम टू अल्पाहार। मेरा नाम अल्पा शाह है। आज मैं मल्टीग्रेन डोसे की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही हेल्दी बैटर बनाकर आप 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं और कभी भी बनाकर खा सकते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट हो, जल्दबाजी हो तो भी इसे बना ले सकते हैं। बिना कोई फर्मेंटेशन के बनाने वाले डोसे, तो उसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो बता देती हूँ। 1 कटोरी मैंने पीली मूंग दाल ली है, उसके साथ है ये साबुत मूंग 1/4 कप। आपके पास अगर मूंग नहीं है तो मूंग की दाल भी ले सकते हैं, हरी वाली मूंग की दाल। यह है 1/4 कप चना दाल। एक चौथाई कप उड़द दाल, सफेद वाली उड़द दाल ली है मैंने। 1/4 कप लाल मसूर की दाल। 1/4 कप चावल। आपके घर में जो भी चावल हो वो ले सकते हैं आप। और यहाँ पे 1/4 चम्मच जितने मेथी दाने लिए हैं। तो ये देखिए, इन 7 चीजों से बनने वाला है हमारा हेल्दी डोसा। इन सारी चीजों को देखकर आपका अंदाजा आ ही गया होगा कि हमारे डोसे कितने हेल्दी बनने वाले हैं। अब मैं इसे अच्छे से 2 से 3 बार वॉश करके पानी डालकर भिगो के 3 से 4 घंटे के लिए रख दूंगी। सारी चीजों को मैंने अच्छे से वॉश करके पानी डालकर अब मैं इसे ढककर 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दूंगी। सारी दालें और चावल अच्छे से भीग कर तैयार हो चुके हैं। मैंने इसका पानी निकाल लिया है, ये देखिए फूल भी गए हैं। अब मैं इसे मिक्सी जार में डाल दूंगी। मैं इसे 2 बैच में पीस लूंगी। थोड़ा पानी डालकर हमें पीसना है एक गाढ़ा लेकिन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी, जैसे कि डोसे में होता है वैसे कंसिस्टेंसी वाला हमें बैटर चाहिए। देखिए मैंने 1 कटोरी जितना पानी डाला था और बहुत ही अच्छी तरह से पीस लिया है। एकदम फाइन पेस्ट हमें बना लेना है। देखिए मैं कंसिस्टेंसी आपको बता रही हूँ, ऐसी रनी कंसिस्टेंसी लेकिन फिर भी गाढ़ा है, जैसे डोसे का बैटर होता है बिल्कुल वैसा ही। मैंने ये आधा बैटर ही लिया है। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और 1/4 टीस्पून जितना खाने का सोडा ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें रेस्ट देने की या फर्मेंट करने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही हम डोसा बना सकते हैं। डोसा बनाने के लिए, मल्टीग्रेन डोसा बनाने के लिए बैटर हमारा रेडी है। तवे को हमें तेज आंच पर गर्म कर लेना है। गर्म हो जाए उसके बाद थोड़ी सी पानी की छींटे डालेंगे और एक किचन टॉवल से या पेपर नैपकिन से आप इसे अच्छे से पोंछ लें। गैस के आंच को अब मैंने स्लो कर दिया है। अब हम डोसे को डाल देंगे। अच्छे से क्लॉकवाइज हम फिर घुमाते जाएंगे और डोसे को स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही अच्छे से फैला जा सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। आंच को मैंने मीडियम टू लो के बीच में रखा है और अब पहले थोड़ा सा हम इसे ड्राई होने देंगे, उसके बाद ही आप ऑयल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना ऑयल और घी के भी बना सकते हैं। ऊपर की सतह थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है, मैं घी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। थोड़ा सा घी को इस तरह से फैला देंगे और अच्छा गोल्डन क्रिस्प आ जाए तब तक हम मीडियम टू लो के बीच में आंच रखते हुए सेक लेंगे। आंच अगर थोड़ी सी साइड में ना लग रही हो तो हमें तवे को इस तरह से थोड़ा सा घुमाते रहना है, रोटेट करते रहेंगे ताकि सब तरफ से अच्छा क्रिस्पी डोसा बनके तैयार हो जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। बहुत ही आसानी से निकल आता है। आपको मैं नजदीक से दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। एकदम क्रिस्प हमारे मल्टीग्रेन के डोसे बनके तैयार हुए हैं, जो हमने 7 चीजों से बनाए हैं। 7 चीजों को मिलाकर हमने प्रोटीन से भरा एक नाश्ता तैयार किया है।
देखिए बहुत ही क्रिस्पी और करारे हमारे डोसे बनके तैयार हो चुके हैं। प्रोटीन से भरा मल्टीग्रेन डोसा देखते तो कोई कह भी नहीं पाएगा कि हमने किस चीज से बनाए हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पे चटनी जो सर्व की है वो बिना कोकोनट यानी कि कोकोनट का यूज किए बिना चटनी बनाई है, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो जरूर से चेक कीजिएगा। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो इसे जरूर से बना सकते हैं, सोच सकते हैं। मैं आपको तोड़ के भी बताती हूँ, सुनी ना आपने आवाज कितने क्रिस्पी बने हैं। डोसे अगर क्रिस्पी होंगे तो ही खाने का मजा आता है। मुझे पर्सनली क्रिस्पी डोसे ही पसंद है और ये चटनी के साथ बहुत ही बढ़िया लगेंगे, तो आप भी इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी जरूर से दीजिएगा। थैंक यू।